बेरोजगारी से परेशान छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रामलीला मैदान से लेकर डीएम कार्यालय तक छात्रों ने विशाल रैली निकालकर जोरदार नारेबाजी भी की। छात्रों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार पदों को खत्म करने की साजिश कर रही हैं, जिसकी वजह से आज युवा बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आवेदन फीस के नाम पर उनकी जेबें काटी जा रही हैं, लेकिन छात्रों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। युवाओं का कहना है कि प्रदेश में भी अब दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने की बात तो करती है, लेकिन अभी तक सरकार के सभी दावे हवा साबित हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर एक ज्ञापन भी भेजा गया। वहीं जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने कहा कि बेरोजगारी को लेकर छात्रों ने ज्ञापन दिया है, उसे शासन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही पिथौरागढ़ में कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। हमें घूसखोरी नहीं चाहिए, हमें ये नशाखोरी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और यही सपना लेकर ये लोग पढ़ने आए थे और इसी सपने को पाने के लिए ये लोग जुलूस में उतरे। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। जो जिसके लिए हमने इतनी तैयारी कर रखी है, उतने उद्यान वाले फॉर्म आए थे, उनको उसके लिए सरकार ने इसके लिए भर्ती नहीं करवाई। उतने बच्चों ने जो इतनी तैयारियां की थी, उनका क्या होगा। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।